हो, तो क्या क्या चेंजेस आप अपने बॉडी में तब ऑब्जर्व करते हो? प्लीज थिंक एंड लेट मी नो, बॉडी में या अपने बिहेवियर में फॉर दैट मैटर, आप क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हो? प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस. पुलकित, मैम कैन यू रिपीट अगेन? द क्वेश्चन इज व्हेन यू आर इमोशनली नॉट वेल, देन व्हाट सिम्टम्स डू यू सी इन योर बॉडी और इन योर बिहेवियर? मैम योर वॉइस इज लो. माय वॉइस इज नॉट लो, इट्स परफेक्टली फाइन, प्लीज चेक योर सिस्टम. ओके हुमायरा, मैम तो आपने एक तो वर्ड्स बोले थे मैम, सेवन मैम, उसमें वो एक बार रिपीट कर दीजिए. मैम जो आपने सेवन वर्ड्स बोले थे, हैप्पी, सैड, एंग्री, स्केयर्ड, सरप्राइज और एक्साइटेड, उसमें से ना हमारा एक मिसिंग है. इट्स हैप्पी, सैड, वरिड, स्केयर्ड, एंग्री, ओके प्राउड, मैम, एक्साइटेड एंड सरप्राइज्ड. ओके मैम. हमारा, वी आर नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी, प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ. मैंने आपको पहले भी ये कहा था ना, पे अटेंशन टू व्हाट वी आर डूइंग नाउ. राइट कुशाग्र, योर आंसर इज करेक्ट, यस वी डेफिनेटली क्राई. हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, तो कभी हम क्राई कर रहे हैं, कभी हम शाउट कर रहे हैं, दैट हैपेंस. पाखी, मैम हम एक्टिव नहीं होते. यस हमारे एक्टिविटी लेवल्स कम हो जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता हमारा. वत्सला, मैम जब हमें प्यास लगती है तब हमारे लिप्स ड्राई होने लगते हैं और माउथ भी सूखने लगता है. दैट इज दिस इज द फीलिंग्स ऑफ माय. जब आप उदास होते हो तब आपके साथ ऐसे होता है, आपको प्यास लगता है, यू फील थर्स्टी? नो मैम, आई एम आस्किंग व्हेन योर इमोशनल हेल्थ इज नॉट फाइन, बेटा. आई एम नॉट आस्किंग हाउ यू फील थर्स्टी. व्हेन आई एम एंग्री आई फील वेरी बैड. ओके, यू फील बैड, ऑलराइट. कुशाग्र, यस मैम. बेटा यू आर रेजिंग योर हैंड ना? यस मैम. सो व्हाट्स दिस आंसर? रेजिंग हैंड मींस यू हैव टू आंसर. मैम क्राइंग. यस वी डेफिनेटली क्राई. कुलराज, कुलराज प्लीज अनम्यूट बेटा. मैम मैं जब मुझे मैं कुछ करने मुझे करने का कुछ मन नहीं करता और मैं किसी से बात नहीं करता और अंदर से कुछ काम करने का मन नहीं करता, वो तो उदास होता हूँ. सो आपका कुछ करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता. वेरी ट्रू, व्हाट यू हैव पॉइंटेड आउट कुलराज. यस ओके आदित्य, मैम जब हमें गुस्सा आती है तो हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता और हमें बहुत गुस्सा ही आता रहता है. ओके राइट हमें गुस्सा ही आता रहता है आदित्य, वेरी ट्रू. ध्रुविका, और किसी से बात करने का मन नहीं करता मैम?
जब हमें गुस्सा आता है तो हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता, हम हैप्पी नहीं होते, हम रोते रहते हैं। राइट, हम हैप्पी नहीं होते और रोते रहते हैं। सो ट्रू। ध्रुविका, गगन, मैम जब हम एंग्री होते हैं तो हमें चीजें ना तोड़ने फोड़ने का मन करता है कि उठा के हम उधर फेंक दें। राइट, तो कभी कभी हमारा मन कुछ एक्शन करने का भी करता है। सो ट्रू। तो वो आउटबर्स्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपका कुछ तोड़ने का मन कर सकता है, आपका क्राई करने का मन कर सकता है, आपका येल करने का मन कर सकता है, शाउट करने का मन कर सकता है, स्क्रीम करने का मन कर सकता है। वेरी ट्रू। यस पुलकित, हम जब हम बीमार होते तो हम अजीब अजीब से फील करते हैं, सिक सिक सा फील करते हैं, हमें परेशानियां होने लग जाती है, जैसे हेडेक, कुछ अच्छा फील नहीं होने लग रहा, कुछ हो रहा है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो मुझसे? यस मैम। आप बीमार मुझे कौन से कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हो पुलकित? मैम लाइक जब हम बीमार होते तो हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब यहाँ पे क्या बेटा, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। गिव मी एन एग्जांपल बीमार का क्या कहना चाहते हैं आप? गिव मी वन एग्जांपल ऑफ बीमार। जब हम बीमार होते तो हमें अच्छा नहीं लगता, अच्छा फील नहीं होता। पुलकित, बीमार का मतलब क्या, आपको क्या हुआ है, एग्जाम्पल बताओ बीमार में क्या हुआ है किसी को, जैसे कि जैसे हमारा किसी चीज में मूड नहीं लगता, कि हमें कुछ नहीं करना। आप मुझसे फीवर का बात कर रहे हो या आप मुझसे इमोशनल हेल्थ का बात कर रहे हो? मैं आपसे यहाँ ये क्लैरिटी चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक वर्ड बीमार यूज नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर हमारी इमोशनल हेल्थ, फीवर मैम, फीवर। मैं फीवर की तो बात ही नहीं कर रही बेटे, तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ बीमार का मतलब क्या है यहाँ पे। I am not talking for physical health. I am talking about your emotional health right now. Please pay attention to the conversation there. Okay? Okay, Kavya? Ma'am, meri na network issue hai, toh isliye main video on nahi kar sakti. I think you could have typed this in the chat only, beta. Because raising hand is for answering. We can always use chat for such queries, okay? Yes, Kavya? काव्या मल्लिक, प्लीज अनम्यूट। आई कांट हियर यू इफ यू आर स्पीकिंग। नो आई कांट हियर यू, जस्ट चेक योर इनपुट वंस। सारिका, ओके। सो पीपल, डेफिनेटली आपने जो सिम्टम्स बताए वो सारे ठीक थे। हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, हम अपने में रहना चाहते हैं ज्यादा, कभी कभी आउटबर्स्ट होते हैं, जैसे कि बहुत गुस्सा आएगा, आप शाउट करोगे, क्राई करोगे। दिस इज ट्रूली करेक्ट व्हाट यू हैव सेड। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, आई हैव टू म्यूट। Okay, right. So what you've pointed is very correct. Now it is important for us to understand कि हमारी emotional health खराब क्यों होती है, क्या reason होता है ऐसे होने से होने के लिए, क्यों खराब होती है हमारी emotional health? क्योंकि जब हम अपने आप को compare करते हैं किसी से तो हम परेशान है ना, या फिर हम खुद को ही सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं कि मेरे से ये नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, इस वजह से होती है। कभी कभी जब हम अपने पास्ट को कंपेयर करते हैं, पहले तो मैं ये करता था, तो नहीं करता, तो इसका मतलब हम अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या तो हम पास्ट में हैं या हम अपने फ्यूचर के लिए डर रहे हैं। सो ये रीजंस होते हैं जिस वजह से हमारी इमोशनल हेल्थ खराब होती है। ओके, अब ये सोचो कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक रहे, क्या कर सकते हैं हम?
वट कैन यू डू ताकि हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक रहे. और एक चीज और बिफोर आई फॉरगेट, आपने ये जो भी सिम्टम्स बताए ना, अगर आप किसी छोटी सी टेंशन की वजह से कह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे बॉडी का तरीका है सिचुएशन को हैंडल करना वैसे. लेकिन अगर आप पूरा दिन ऐसे रहते हो तो आपकी इमोशनल हेल्थ में प्रॉब्लम है. कभी किसी प्रॉब्लम के आने से ऐसे हो रहा है, इट इज ओके, दैट्स नॉर्मल. पर अगर आप पूरा दिन डिप्रेस्ड हो, पूरा दिन किसी से बात नहीं करना चाहते, पूरा दिन अपने में रहते हो, पूरा दिन नेगेटिवली सोचते हो, देन इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम. ओके, जैसे फीवर है. अब फीवर ऐसा तो नहीं है ना एक दो घंटे के लिए आता है फिर चला जाता है बिना मेडिसिन खाए, ऐसा नहीं होता ना. आप मेडिसिन खाते हो तभी फर्क पड़ता है. ऐसा तो नहीं है ना कि फीवर आया अभी एक घंटे के लिए आया फिर चला गया फिर रात को फिर सीख जाएगा. अब ऐसा नहीं होता. तो जैसे फिजिकल हेल्थ जब आपकी खराब है तो आप पूरा दिन एक्सपीरियंस करते हो, वैसे ही इमोशनल हेल्थ है वो आप पूरा दिन एक्सपीरियंस करोगे. अगर आपकी फाइट हुई फ्रेंड से, ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए सैड हो गए, उसे आप इमोशनल हेल्थ खराब होना नहीं कहोगे, वो आपकी फीलिंग है, आप सैड हो, ठीक है. बट पूरा दिन अगर आप किसी चीज से बॉदर्ड हो और बहुत दिन तक ऐसे चले जा रहा है, देन द चांसेस आर कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है एंड यू शुड टॉक अबाउट. ओके, तो इमोशनल हेल्थ हमारी इसलिए भी खराब होती है जब हमारे मन में जो है ना, हम वो किसी से शेयर ना करें, तभी भी होती है ये. शिव मैम, मुझे इसका एग्जांपल देना है. ओके मैम, अगर हम सबसे बात करते रहेंगे तो हमारी सोशल हेल्थ ठीक रहेगी, और अगर हम किसी से एंग्री नहीं होगे तब भी हमारी सोशल हेल्थ ठीक रहेगी. नहीं, अगर हम एंग्री होंगे भी शिफ्ट, तो अगर हम एंगर को ठीक से मैनेज करेंगे सो थिंग्स आर फाइन, बिकॉज एंगर इज एन इमोशन. कुछ रॉन्ग नहीं होता है एंग्री होने में, वो आपको एक फीलिंग है. बट आप उसे एक्सप्रेस कैसे करते हो, क्या एक्शन लेते हो, दैट डिफाइन्स वेदर यू आर राइट और रॉन्ग. ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट. ओके, सो नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्दर इज कि अगर हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है तो हम पर क्या असर आता है. अगर हम इमोशनली ठीक नहीं है तो हम सारा टाइम नेगेटिव सोचेंगे. अब नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को क्या होगा, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा. तो हम अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा. और हम किसी से बात नहीं करेंगे तो कोई हमारा फ्रेंड बनेगा, कोई हमसे बात करेगा नहीं, सब क्या कहेंगे, ये तो पता नहीं कैसा अजीब सा आई, अजीब सी आई, तो बात ही नहीं करती, बहुत ईगोइस्टिक है. सुनते हैं ना हम ऐसे वर्ड्स कभी कभी, तो कोई हमसे बात नहीं करेगा, कोई हमारा फ्रेंड नहीं बनेगा. तो ये भी इफेक्ट आ रहा है, हमारे कॉन्फिडेंस पे भी इफेक्ट आ रहा है, हमारे थिंकिंग पे भी इफेक्ट आ रहा है. और उससे क्या होगा, हम कोई भी टास्क ना अचीव ही नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हम पहले ही अपने आप को क्या समझेंगे कि हम तो हर चीज में हार ही जाएंगे, हम वर्थलेस है. तो हम कोई एक्शन भी नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम सैड होकर बैठे रहेंगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती. ओके, तो इसका मतलब कि इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फिजिकल हेल्थ का है, सोशल हेल्थ का है, ऐसे ही इमोशनल हेल्थ का भी है. अब आप ये सोचो कि हम कैसे अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, कैसे हम अपने फीलिंग्स का ध्यान रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं. कैन एनीवन गेस? अब आप मुझसे पूछो तो I see people at times, you know, they go out and they. और क्या आप कर सकते हो, क्योंकि जितना आप अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखोगे, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखोगे, उतना ही आप रिलैक्स्ड रहोगे, उतना ही आप काम रहोगे, कम डरोगे, कम घबराओगे. तो सोचो क्या चीजें आप कर सकते हो जिससे कि आप रिलैक्स रहो या काम रहो. शिव मैम, मेडिटेशन एंड योगा. Yes, definitely you can do meditation and yoga. Kavya? Kavya, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा बिल्कुल. एक बार प्लीज आप अपना सिस्टम चेक करो, नहीं तो आप मेरे को टाइप करके भेजो अपना रिस्पॉन्स एंड देयर ऑन द चैट ऑल्सो. ओके, या यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स, आई चेक इट देयर. ओके काव्या, राइट. तो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें अब हम लिख रहे हैं कि हम क्या, आप क्या करोगे अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए. सो गेट अ शीट एंड अ पेंसिल फॉर योरसेल्फ. आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन.
So how do I keep my mind healthy? So what relaxes me and calms me? और आप कुछ भी पिक्चर बना सकते हो, सेंटर में स्टार बना सकते हो, स्माइली बना सकते हो, सिंपल सर्कल, स्क्वायर, व्हाटएवर यू वांट टू मेक यू कैन मेक. टेक आउट द एरोज एंड क्विकली राइट कि क्या चीज आपको रिलैक्स करती है. फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी देन एक्सरसाइजिंग रिलैक्सेस मी, योगा मेडिटेशन रिलैक्सेस मी, रीडिंग अ बुक रिलैक्सेस मी, वॉचिंग अ गुड इंस्पिरेशनल मूवी रिलैक्सेस मी, Playing with my child, reading with my child relaxes me. Reading a good book for myself relaxes me. Listening to music relaxes me. So these are the things that relaxes me. तो आप अपने बारे में सोचो. अगर आपको कोई game, कोई sports relax करता है तो उसका name लिखो. Okay? So quickly do it. 2-5, we'll wind up with this activity. So you have 5 minutes to do it. Yes, Humaira. मैम हम लोग इसकी जगह पे कोई भी शेप बना सकते हैं. हाँ जी मैम, मुझे ना आपको ये वाली एक्टिविटी दिखानी थी. आफ्टर दिस वर्क आई विल सी. ओके ओके मैम. ओके काव्या, यस एक्सरसाइज एंड योगा. सो नाउ यू कैन राइट फॉर योरसेल्फ बेटा, रिलैक्सेस यू एंड व्हाट काम्स यू. मोहम्मद असाद. मैम प्लेइंग गेम्स. बेटा सब कुछ लिखो, सिर्फ एक चीज नहीं, गेम्स और कौन सी गेम, गेम्स के नेम भी लिखो. ठीक है मैम. राइट बैडमिंटन फुटबॉल. नो नो यू आर राइटिंग इट प्लीज. आई वांट टू सी योर शीट. वेयर इज द शीट मैम? 1 मिनट. या प्लीज क्विकली स्टार्ट राइटिंग. यस गगन. ओके मैम हमारा गलती से उठ गया था, हम डाउन ही कर रहे थे. ठीक है म्यूट कर लीजिए. हमारा आई आंसर्ड. मोहम्मद के साथ स्टार्ट विद द वर्क. आई कैन सी यू हैव टेकन योर शीट. ठीक है लिखो बेटा अपने बारे में. ओके अक्षिता. मैम एक्सरसाइज. और लिखो लिखो अपने पास, और भी बहुत कुछ आएगा. स्टार्ट राइटिंग. आदित्य. मैम वो गलती से उड़ गया था. बेटा जब गलती से उड़ जाता है तो उसी को बटन को प्रेस करो, वो वापस नीचे भी हो जाता है. प्लीज लर्न नाउ, इट्स यू शुड नो हाउ टू हैंडल दिस. ओके ओके यस सर्वांग. मैम हमें ऊपर करना, मैम गलती से दब गया. अक्षत. मैम साइकिलिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक. ओके और लिखो अक्षत, सिर्फ दो नहीं है, और सोचो और क्या चीज रिलैक्स करती है. मैम एक्सरसाइज. यू आर नॉट टेलिंग मी लाइक दिस, यू आर राइटिंग. प्लीज राइट विद योरसेल्फ. राइटिंग करने से हमारे ब्रेन को क्लैरिटी मिलता है कि हम कैसे रिलैक्स्ड फील करते हैं. यस पुलकित. Okay, Dux says yoga and writing. All right, Dux, add a little more. Think what else. Then we have, okay, Kushagra says listening to music. Kavya says playing games like badminton, cricket, kabaddi, rope skipping. Kavya, sirf apne baare mein likho beta. कि कौन सी गेम्स आपको रिलैक्स करती हैं, बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज डिफरेंट. हम सब के लिए अलग अलग चीज है, हम सब अलग अलग तरीके से रिलैक्स होते हैं.
Okay, Paki says doing yoga. Kavya says dance and painting. Okay. Manika says playing games. Okay. Yes, sir. मैम मैंने लिख दिया, मैं आपको बोल दूं मैम. Yeah, Shiv, it's outside happening. I can't hear. Shiv. I'm playing games, exercise, cycling, listening music, meditation, reading book, and having fun with friends. That's nice. Good, Raj. Ma'am, play games like football, do yoga and exercise like laughing, therapy, think positive, do not be more quiet, taking with others, be happy. Beautiful, smiley, great. Kavya Anand has written, playing snake and ladders relaxes me. That's nice. Mohammed Hassan. मैम अच्छा ने लिख लिया, सर बताएं. हाँ जी. Exercise, cycling, listening music, playing games like football and badminton, yoga, dancing, painting and reading books. Okay. देखो अभी आप दो बता रहे थे, आप कितनी सारी लिख ली आपने. हाँ. Okay. मैम exercise, reading books, football, playing, music, dancing, cartoon, TV, study, laugh, painting, drawing. Okay. Kushagra. Kavya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, ma'am. Ma'am. Yoga. Excuse me, ma'am. Kushagra, wait, please. Kavya is sharing. Okay, after her. Yes, Kavya. Reading books, playing football, and cooking. Okay. Watching cartoons. And painting. Okay. Thank you, ma'am. You're welcome. Aditya. Oh, sorry. First, Kushagra. Yes, Kushagra. Ma'am. Hanji. मैम जो मैंने लिखा है मैं आपको बताऊं मैम. हाँ जी, प्लीज शेयर. हेयर म्यूजिक, शॉपिंग, प्ले विद कार, डांसिंग, प्ले विद माय फ्रेंड्स, साइकिल, वॉच टीवी, ऑलराइट, सिंगिंग मैम. ऑलराइट Aditya. Ma'am, reading book, exercise, football, playing, music, dancing, driving, cartoon, TV, study, painting, drawing. All right. अक्षत चूज कर लेती थी डेथ अपनी मौत में, और उसमें चूज करना था साइकिलिंग,
प्लेइंग हाइड एंड सीक लिसनिंग सॉन्ग एक्सरसाइज रीड बुक पेंटिंग ओके ऑलराइट नाउ पीपल आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि जो हम ये थीम कर रहे थे व्हाट रेजेस माय इम्यूनिटी हमारा ये प्रोजेक्ट आज फिनिश हो गया दिस वाज योर लास्ट क्लास फॉर इट एंड इफ यू रिमेम्बर हमने शेयर किया था कि हम इसका एंड प्रोडक्ट एक पैम्फलेट बनाएंगे ओके सो आई विल जस्ट शेयर द गाइडलाइंस ऑफ द पैम्फलेट विद यू बट बिफोर दैट आई एम ऑल्सो शेयरिंग द गूगल लिंक हियर फॉर यू टू कीप द कॉपी ऑफ इट Priyanshi ma'am or Akansha ma'am, one of you, if you can just check if link is working. Okay, ma'am, just wait a minute. Yeah, please. Okay, in the meanwhile, I'll just share the screen with you people for the pamphlet. Right. So, jo aapne pamphlet banana hai, usme aapne kya kya details dalni hai. Sabse pehle, pamphlet ka ek title page hota hai. Theek hai? जो बहुत कलरफुल इम्प्रेसिव होता है जहाँ पिक्चर्स वगैरह बना सकते हो उसे प्रेजेंटेबल बना सकते हो और उसका एक टाइटल होता है जैसे हमारी बुक का टाइटल होता है ना ऐसे ही पैम्फलेट का टाइटल होता है यस मैम इट्स वर्किंग ऑलराइट थैंक यू मैम ओके सो आप पैम्फलेट को एक टाइटल दोगे जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हेल्दी फाइव एच वन क्योंकि हम हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं तो पैम्फलेट सबको इन्फॉर्मेशन ही देता है सो हेल्दी फाइव एच वन कैन बी द नेम आप कोई भी नाम सोच सकते हो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको यही नहीं रखना ओके इट कैन बी एनी इनोवेटिव नेम अकॉर्डिंग टू यू बिकॉज इट्स योर पैम्फलेट उसके बाद आप उसमें कुछ कॉन्टेंट डालोगे अब उस कॉन्टेंट में क्या क्या आएगा आई जस्ट शेयर दैट विद यू ओके तो इसमें आप सबसे पहले क्या डालोगे इंट्रोडक्शन डालोगे अब इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिखोगे कि हेल्थ का मतलब क्या होता है तीन टाइप्स की हेल्थ कौन सी है फिजिकल सोशल और इमोशनल हेल्थ हमने करा है एंड ये तीनों हेल्थ कैसे इंटर रिलेटेड है ओके सो इंटर रिलेटेड आप एक एग्जाम्पल से दे सकते हो जैसे कि लेट्स से अगर आपको फीवर है तो जब हमें फीवर होता है तो फिजिकल हेल्थ पे क्या असर है हमारा हम एक्टिव नहीं होते इतना मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है कि हम थोड़े सैड और डिप्रेस्ड सा फील करते हैं लो फील करते हैं कुछ करने का मन नहीं करता तो वो हमारी इमोशनल हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है और सोशल हेल्थ पे क्योंकि हम थोड़ा चुप रहना पसंद करते हैं तो कोई हमसे कुछ भी कहेगा तो हम थोड़ा इरिटेट होकर आंसर देंगे थोड़ा सा रूड हो जाएंगे सो आर इमोशनल हेल्थ गेट्स अफेक्टेड तो ऐसे ही आप कोई भी इंटर रिलेशन एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि तीनों हेल्थ कैसे इंटर रिलेटेड है उसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ हमारे लिए क्यों जरूरी है हेल्दी होना और हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे फिजिकल हेल्थ कि फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है और आप कैसे अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करते हो इमोशनल हेल्थ के लिए आप लिखोगे कि इमोशनल हेल्थ का क्या मीनिंग है और आप कैसे इसे मेंटेन करते हो सिमिलरली सोशल हेल्थ का क्या मीनिंग है और आप कैसे मेंटेन करते हो अपनी सोशल हेल्थ और लास्ट पार्ट आपको थोड़ा सा सोचना है कि इम्यूनिटी क्या है और कैसे तीनों हेल्थ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है तो तीनों हेल्थ जब हमें हमारी बॉडी को हमारे माइंड को हमारे सोशल रिलेशंस को जब हम हेल्दी रखते हैं तो हमारी बॉडी और प्रिपेयर्ड होती है चैलेंजेस फेस करने के लिए इसीलिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है सो ये गाइडलाइंस है आपके पैम्फलेट के जो आप फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर पैम्फलेट एंड शेयर इट इन द नेक्स्ट क्लास आप इसे जितना कलरफुल बनाना चाहे इट्स योर चॉइस आप इसमें पिक्चर्स स्केचेस कार्टून्स कुछ भी बना सकते हैं कोई भी पिक्चर्स एड ऑन कर सकते हैं कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं बनाने के लिए लाइक हैंड राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ ऑलराइट सो दीज आर द गाइडलाइंस एंड यू कैन डेफिनेटली टेक इट फ्रॉम द गूगल ड्राइव लिंक हियर बिकॉज इट्स वर्किंग एंड आई जस्ट शेयर द होमवर्क विद यू बिफोर वी वाइंड अप विद द सेशन सो फर्स्ट इज मेक द पैम्फलेट referring to the guidelines shared
full stop, and do page 32, 33, comma 34 of your book. So that's your homework. So just complete it and we'll meet again in the next class. So remember to make your pamphlet because that's the last thing of it. Okay. So see you all. Have a wonderful day. Bye. Bye, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am. Have a good day, ma'am. Bye, ma'am. They have seen your emotional wheel also, Vita. You've done it very nicely.